शालोम जय मसीह की। आप सबको हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम एक नए साल में जब अब प्रवेश लेने जा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ब्रदर आशीष का कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके इस पेज से जुड़कर, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस इस पेज से जुड़कर इस माध्यम से परमेश्वर के नाम को महिमा दें और इस वचन को हम शेयर कर सकें, आप सब तक पहुँचा सकें। प्रभु का धन्यवाद। और आज नए साल के लिए प्रभु ने मेरे मन में एक वचन डाला, जो वचन जीवित वचन है, सामर्थी वचन है, बोलने और बातचीत करने वाला वचन है। वो वचन क्या है? आप और मैं सब जानते हैं कि हम पिछले जिस साल से गुजरे हैं, एक बहुत ही संघर्ष के साल से गुजरे हैं, जो साल पूरी दुनिया के लिए, हर किसी के लिए बहुत ही संघर्षों का रहा, जिसमें हमने भय का वातावरण देखा, जिसमें हमने मौत को बहुत नजदीक से देखा, बीमारी को देखा, गरीबी को देखा, बेरोजगारी को देखा, लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों ने अपने करीबी लोगों को, अजीज लोगों को खो दिया, बहुत कुछ, अकेलापन देखा, बंद अकेले रहना, समय बिताना, सब कुछ फर्क, एक अलग बात इस साल में जो हमने देखी। उन संघर्षों से हम गुजरे और आज जब नया साल आ रहा है तो हम बहुत सारे सवाल लेकर अपने मन में देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आने वाला साल क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसा होगा। तो वचन हमें क्या बताता है और मसीही विश्वास हमें क्या बताता है कि हमारी आशा उस आने वाले नए साल से नहीं है, बल्कि उससे आशा हम लगाए हैं जो सब कुछ को नया बना देता है, जो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो सब कुछ को नया बना देता है। जो वचन भी कहता है, जो प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है, देखो सब कुछ नया हो गया, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। व्यक्ति को नया बना सकता है, साल को नया बना सकता है, परिस्थितियों को नया बना सकता है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वचन में से हम देखेंगे सिर्फ 6 बातों पे मैं गौर करूंगी कि इस आने वाले साल में कौन सी 6 बातें हम करें वचन के मुताबिक, ताकि आपका और मेरा ये आने वाला वर्ष वाकई में आशीषित हो, हर तरीके से, आत्मिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी, और विकास की स्थिति भी देखते हुए, और आशीषों को, बरकतों को देखते हुए, हर प्रकार से, रूहानी भी, दुनियावी भी, स्वास्थ्य को, प्रोटेक्शन को, सब कुछ को कवर करती हैं ये सब बातें वचन में से। तो हम जाएंगे पहली बात उसकी हम खोज में रहें, और उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और 29 और 31 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा, शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। देखिए वचन बता रहा है, शर्त है ये कि पूरे हृदय से, पूरे प्राण से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, ऐसा लिखा है देखिए, और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। ये वचन ऐसा है जैसे कि आपके और मेरे मन में चल रहे सवाल का ही जवाब हो, क्योंकि वचन जीवित वचन है, हमारी हर बात का, हर साल बात का, हर सवाल का जवाब देता है वचन। तो पहली बात है हम उसकी खोज में रहें, उसकी ओर फिरें, और वो पहले से ही लिखा है कि ये विपत्ति अंत के दिनों में आ पड़ेगी, तब परमेश्वर की ओर फिरो, जब संकट में पड़ जाओ, विपत्तियां पड़ जाए, अंत का दिन पड़ जाए, क्योंकि वो परमेश्वर कैसा है, दयालु परमेश्वर है, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, दया से, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। दूसरी बात, जब उसकी खोज में रहते हैं वो मिल जाता है, उसके बाद क्या करना, उसकी संगति करना, उसके साथ साथ रहना, उसको देखिए भजन संहिता 73 उसके 28 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। एक तो उसकी संगति में, फेलोशिप में रहना भला है, दूसरा विपत्ति के समय में हमारा शरण स्थान, दृढ़गढ़, संकट में सहायक, सहज से मिलने वाला परमेश्वर, ये सब बातें बाइबल की ही बातें हैं। कैसे सुंदर वायदे हैं, इंसान की बातें नहीं है, वो कहे और करे ना, ये परमेश्वर के वायदे हैं, जो आसमान और पृथ्वी टल जाए लेकिन वो
टल नहीं सकते, वो वायदे हैं ये प्रभु के। और वो वायदा कह रहा है ये कि जब हम उसको अपना शरण स्थान मान लेते हैं, उसके प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, गढ़ संकट में सहायक और सहज से मिलने वाला, आसानी से मिलने वाला वह सहायक परमेश्वर है। और तब क्या है, मैं उसके सब कामों का वर्णन करूंगा, उसके ढूंढें, उसको पालें, फिर उसकी संगति में रहें। और अगली बात, तीसरी बात, जब उसको पा लिया तो जरा अपने कानों को खोलें उसकी आत्मा की अगुवाई को सुनने के लिए और जानने के लिए। वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर धीमे मधुर स्वर में बातचीत करता है, प्रभु का आत्मा, जिसको हम कई बार सुनना समझना नहीं चाहते, लेकिन वचन हमें कह रहा है। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वचन है, और वह है नीति वचन 3:5-10 में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं इसी वचन में, हम देखें तो सब प्रकार की आशीष देने का प्रभु वायदा करता है, जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं, उन सब लोगों से दूर रहें जो मैं और मेरा और मेरी बुद्धि और मैंने ये करा मैंने वो करा जो करते हैं। क्योंकि आत्मा की अगुवाई में कहने वाला आदमी महिमा प्रभु को देता है, और वो वही करता है जो आत्मा कह रही है, अपनी बुद्धि को बड़ा समझ के नहीं। क्योंकि हमारे सोच विचारों में और परमेश्वर के सोच विचारों में इतना ही फर्क है जैसे आसमान और जमीन का, वचन ऐसा बताता है। और वो जब हमें बुद्धि देता है तो वचन क्या बताता है, जब परमेश्वर हमें बुद्धि देता है तो हमें शिक्षकों से भी अधिक समझदार बना देता है। ऐसी बुद्धिमानी की लोग सोचने लगते हैं, इसको इतनी सी उम्र में, इसको ऐसी छोटी सी जगह में कैसे इतनी बुद्धि आ गई, क्योंकि प्रभु का आत्मा वो बातें खोल खोल कर समझाता और बताता है। तो उसकी उस बात को इस साल अपने कानों को खोलें, जो कहते हैं प्रभु बात नहीं करता, बहुत सारी तरीके से प्रभु बात करता है और वो बात करेगा आपसे। अपने कानों को खोलें, दिलों को खोलें उसकी आवाज को सुनने के लिए। जितनों ने पाया है आत्मा वो दुगना अभिषेक पाए प्रभु आने वाले सालों में, जिन्होंने नहीं चखा वो चख के देखें, परख कर देखें। अगली बात यह है कि वचन हमें बताता है कि जो सवाल जवाब हमारे मन में होते हैं वो जवाब प्रभु देता है आत्मा की अगुवाई से, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारे लिए सर्वोत्तम चीज क्या है, बेहतर चीज क्या है, हमें वो नहीं दिखाई देता क्योंकि हम इंसानी आंखों से इंसानी समझ से देखते हैं। लेकिन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो वचन कहता है एक एक लहर उसकी आज्ञा मानती है, एक एक तारे को वो नाम लेके जानने वाला परमेश्वर है, हमारे एक एक बाल का हिसाब रखने वाला, गर्भ में रचे जाने से पहले हमें जानने वाला परमेश्वर, जिसने हमारे बेडोल तत्व को देखा है, जब हड्डी हड्डी जोड़ जोड़ के बनाई जाती थी, तब से जानने वाला परमेश्वर, हमारे हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे, हमारा चित्र उसने अपनी हथेलियों पे खो दिया, सब बाइबल के वचन हैं। जिन्होंने नहीं कभी सुना, नहीं पढ़ा, वचन पढ़ के देखें, आपके और मेरे सब के लिए प्रेम की बातें, आशीष की बातें, और जब सब सवालों का जवाब हमें उस जगह में मिलता है, उसके बाद हम अपनी आशा उस पर क्यों लगानी है और उससे संगति क्यों करनी है, उसकी अगुवाई क्यों पानी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान और वो जो कर सकता है वो कोई और कर नहीं सकता। हम उत्पत्ति की किताब में देखते कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और उसको श्वास फूका, अपने स्वरूप में बनाया, मिट्टी से बनाया, यानी कितना कमजोर इंसान है कि वो एक मिट्टी से, उसके हाथों की रचना, श्वास देने वाला भी वही है, श्वास लेने वाला भी वही है, जीवन भी मृत्यु भी। लेकिन जो उस पर ईमान लगाए रहते हैं, जो उस पर दृष्टि लगाए रहते हैं, उसके लिए क्या क्या बातें हैं, उसको मृत्यु का भी भय नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं, क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या परमेश्वर की योजना है। चौथी बात है, इन सब बातों में हम महिमा परमेश्वर को दे। सिर्फ इसके लिए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगी, रोमियो 1:21-25, इसमें इस प्रकार लिखा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, बाइबल कह रही है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों
रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता में बदल डाला। ये सारी बातें, यानी कि चॉइस हमारी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये इन सब चीजों को पहला बना दिया का मायने क्या है कि ये मूर्ति पूजा का ही एक दूसरा रूप है। अगर हम प्रायोरिटी, जो पहला स्थान परमेश्वर को मिलना है, अगर वो हम पहला स्थान किसी और को दे रहे हैं, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। भले ही वो आपका फोन हो, भले ही वो आपका व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कोई भी एडिक्शन क्यों ना हो, भले ही वो आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, अगर आप परमेश्वर से बढ़कर स्थान देने लगे, प्रभु का दर्जा देने लग गए हैं आप उसको, तो जरा चेक कर लें, महिमा किसे दे रहे हैं? प्रभु के दासों को भी नहीं, उनका आदर उनकी जगह है, लेकिन यीशु मसीह का स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। तो हमें महिमा जलाल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही देते रहना। हम बिल्कुल इंसान है, प्रभु के जन है, उन्हें आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का स्थान हम उन्हें नहीं दे सकते, वो दर्जा हम उन्हें नहीं दे सकते। पांचवी बात है, मैं माफी चाहती हूँ, पास में बहुत जगह में शोर बहुत हो रहा है, सब जानते हैं हम लोग न्यू ईयर वाले दिन आस पास में पूरे सब जगहों में कैसे जश्न के माहौल रहते हैं, लेकिन हम मसीही लोग जो हम जानते हैं हमारा सच्चा आनंद किसमें है, सच्चे जश्न की खुशी किसमें है, इन डीजे में नहीं है, नाच गानों में नहीं है, पार्टीज में नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन की उस सत्यता को जिसने जान लिया, चख के देख लिया। तो पांचवी बात है, हम पवित्र रहें। देखिए इसी संबंध में मैं बात कर रही थी और यही बात निकली है भजन संहिता 1, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए वो जो कुछ पुरुष वो करे वो सफल होता है। तो देखिए यहाँ पर पूरी बात बताई हुई कि हमें कैसे पवित्र रहना है, कि हम उनकी मंडलियों में पैर ही नहीं रखें, ऐसी पार्टीज से जहाँ शराब है, जहाँ वाहियातपना है, जहाँ सब कुछ अपवित्रता की बातें हैं, वो हमारा आनंद का स्थान नहीं, बल्कि हमारी उस व्यवस्था से हमें आनंद, उस वचन पर हमें आनंद मिलता है। और देखिए वो कभी मुरझाते नहीं, वो आनंद कोई टेम्पररी आनंद नहीं है। ऐसी पार्टी का आनंद तो एक दिन का होता है, अगले दिन पार्टी खत्म और आनंद भी खत्म, लेकिन हमारा आनंद ऐसा है जो कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, और वो हमेशा हमेशा रहने वाला है। छठी बात है, हमारा फोकस क्या रहना है, इस आने वाले साल में ही नहीं, हमेशा सदैव क्या फोकस है, आखिरी गोल क्या है, अनंत मृत्यु या अनंत जीवन, दो ही रास्ते, दो ही चुनाव हमें बाइबल बताती है, उनमें से हम किसकी ओर निगाह लगानी है। और देखिए वचन पूरी तरह हमें साफ साफ बताता है, प्रकाशित वाक्य 21 में उसके 1 और 7 में स्वर्ग का वर्णन जहाँ है इस प्रकार लिखा है, और मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए है। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वे उन लोगों के साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। अगला वचन देखिए, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ लेगा, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये सब बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। यहाँ पर बताया स्वर्गीय वर्णन, ऐसी जगह का प्रभु वायदा करता है जहाँ आंसू नहीं, दुख नहीं, वहां से आंसुओं को पोंछ लेगा हमारा परमेश्वर। और आखिरी में मैं सुंदर से एक वचन के साथ खत्म करना चाहूंगी, जो बेहद आशीषित वचन है, जो सच्ची आशा, नई आशा हमें देता है। वो क्या आशा है? वो है यूहन्ना 14:2-6 में यीशु मसीह की कही हुई बातें हैं, वो है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, प्रभु हम नहीं जानते तू कहाँ जाता है तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इतनी सुंदर वचन, इतना स्पष्ट वायदा प्रभु यीशु मसीह का है कि वो जगह तैयार करने जाता है ताकि जहाँ वो रहे हम भी रहें और हमारा आनंद पूरा हो। स्वर्ग की बात, नरक की बात, मृत्यु की बात, मृत्यु के बाद की बात, दुष्ट आत्माओं की बात, स्वर्ग की बात, सब फरिश्तों की बात, सब कुछ समझाया है बाइबिल में। जब हम पढ़ के देखते हैं तो यह बात हमारे लिए स्पष्ट हो गई कि जो मसीह में वो नई सृष्टि है, सब बातें बदल गई, सब कुछ नई हो गई। इसलिए हमारा देखना, सोचना, समझना, हमारा आनंद, हमारी हर बात फर्क क्यों है? क्योंकि जिसने सत्य को जान लिया, जिसने सच्चे आनंद को जान लिया, वो इस टेम्परेरी आनंद में कैसे सहभागी होगा और क्या आनंद उसको इसमें आएगा। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको प्रेरणा दे, आशीष दे। आने वाले साल हमारे लिए बेहद आशीषित हो। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए कि आपने हमें सुंदर वक्त दिया और हम इस नए साल में प्रवेश करने पाए। पिता, हम चाहते हैं आने वाला साल हम सब के लिए बहुत ही आशीष का, आत्मिक उन्नति का, तेरी नजदीकी का साथ और तेरी दुगने अभिषेक का साथ हो पिता, और तेरे अनुग्रह में आप हमें बढ़ाते जाइए। ये सारी प्रार्थना हम आपके नाम में, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस सारी प्रार्थनाओं के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिस इज प्रकृति एंड इट्स अ ग्रेट जॉय फॉर मी टू सेंड माय ग्रीटिंग्स थ्रू ब्रदर आशीष कुमार्स पेज, द प्रेयर ग्रुप टीम जीसस। The Lord says He crowns the year with His goodness. He promises in Psalm 65 and verse 11 that He crowns the year with His goodness and His paths drip with abundance. May you have a year filled with great blessings and breakthroughs in Jesus' name. Have a blessed year. Greetings everybody. I, Prophetess Abhishika Jogi, would like to wish you all a new year filled with excellence, prosperity, peace and blessings. The Bible says in Isaiah chapter 43 verse 19, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers, streams in the wasteland." So we need to trust God, acknowledge God in all we do and trust His new work and stop dwelling in our past and trust His plan, because God tells us that He has a plan for each and every one of us and He loves us. So I wish you all a very happy new year, a blessed, a prosperous 2021. God bless you all.